जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की जो आप तैयारी कर रहे हैं, इस तैयारी को और मजबूत कर दीजिए, क्योंकि आपका जो है इंतजार की घड़ियां यहाँ पर ख़त्म होती दिखाई दे रही हैं। और जो हमको न्यूज मिली है, आप लोगों का जो है ग्राउंड वगैरह तैयार हो रहा है ट्रेड टेस्ट के लिए, और ट्रेड टेस्ट के लिए जो पहले से ड्यूटियाँ लगती हैं तो वो ड्यूटीज़ लगाई जा रही हैं। और आप लोगों का जो ट्रेड टेस्ट है वो कब तक होगा, इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। और उससे पहले आपका आना है रिजल्ट, तो रिजल्ट कब तक ये जारी कर दिया जाएगा, तो वीडियो में बने रहें प्यारे साथियों। आपका ये जो मैं भर्ती की बात कर रहा हूँ, 2023 की भर्ती की बात कर रहा हूँ, जो पोस्ट है 693 पोस्टों की मैं बात कर रहा हूँ। और इसमें देखिए, आपका रिजल्ट जारी होने वाला है ट्रेड टेस्ट मेडिकल डीवी कट ऑफ। तो अभी आपको जो है कई स्टेपों से गुजरना है, कागज भी अपने तैयार रखिएगा। और सस्पेक्टेड में ये लोग डाल देते हैं, कुछ बच्चों का थंबनेल वगैरह नहीं मिलता तो उसको सस्पेक्टेड में डाल देते हैं, तो आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। जब अपना थंब इम्प्रेशन कराते हैं तो उस टाइम पर आपको बहुत ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों का जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट कब तक आ जाएगा, और ट्रेड टेस्ट देखिए, आप लोगों का जो ट्रेड टेस्ट है उसका जो चल रहा है, तो इसी फरवरी के वीक में फर्स्ट मतलब लास्ट वीक की तैयारी चल रही है। 25 तारीख के आसपास उन्होंने बताया कि ट्रेड टेस्ट जो है लिया जाएगा। तो अब इसका रिजल्ट कई दिन पहले आएगा, तो देखिए ट्रेड टेस्ट से 2 दिन पहले, कितने दिन पहले, 2 डेज पहले, ओनली 2 डेज का ही समय देता है। 2 दिन पहले आप लोगों का रिजल्ट यहाँ पे जारी किया जाएगा। फरवरी का लास्ट वीक जो है आपका जो है दिया है ट्रेड टेस्ट के लिए। आराम से उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर से भुगत जाइए 17 और 18 तारीख को, बस फिर आप फ्री फ्री हैं, लगे रहिएगा बढ़िया से। और आप लोगों का जो होने वाला है, तो ट्रेड टेस्ट होने वाला है आपका फरवरी में लास्ट में। अब बात करेंगे कि लास्ट में हो जाएगा, रिजल्ट कब आएगा, तो 2 डेज पहले ही आएगा, मैं पहले बता दिया हूँ। मेडिकल इसके बाद होगा, डीबी इसके बाद होगा, कट ऑफ, कट ऑफ देखिए, कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल मिनिमम पे ही आपका नंबर रहेंगे। जो कट ऑफ आपकी रहेगी एकदम मिनिमम पे रहेगी, 45 और 50% का जो क्राइटेरिया है एसएसबी का, उसी पे आपकी कट ऑफ रहने वाली है फिलहाल। अभी आपकी ट्रेड वाली फाइनल तो थोड़ी हाई जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर अभी जो है एकदम आसान रहने वाली है। ट्रेड टेस्ट की तैयारी कैसे करें, ट्रेड टेस्ट की सारी वीडियो में प्रोवाइड करा चुका हूँ। यदि इसके बाद भी किसी का कोई डाउट है किसी भी ट्रेड को लेकर, क्योंकि सारे ट्रेडों के बच्चे पिछली भर्ती 2020 वाले जो ज्वाइन किए हैं तो वो अपने पास में है, बिल्कुल दिक्कत की बात नहीं है। हम उनसे एकदम आपका संपर्क भी करा सकते हैं, उनके नंबर बाय नेम बाय नंबर हमारे पास में है वो लोग, ठीक है। वो लोग ज्वाइन कर गए हैं तो आप लोग भी ऐसे ही ज्वाइन कर जाएंगे। मई के महीने में आप लोगों की ज्वाइनिंग होनी है, वहां से जो सूचना मिली है, तो मई में आप लोगों की भी ज्वाइनिंग होगी। मई तक ये भर्ती को कम्प्लीट किया जाएगा, अप्रैल तक ये भर्ती पूरी कम्प्लीट करा ली जाएगी, ठीक है। मई में आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी, जैसा मैं पहले बताता मई जून में ये लोग ज्वाइनिंग कराते हैं। तो आपकी जो कट ऑफ रहेगी एकदम मिनिमम रहेगी, और आपका जो मेडिकल होगा, कुछ बच्चे मेडिकल में छट जाते हैं, तो मेडिकल वाले जितने पे भी, जिन बच्चों के हाथों में टैटू है टैटू को रिमूव करा लें। इसके बाद जिनकी नौकनी है तो उसके लिए एक्सरसाइज कीजिए, फ्लैट फुट है, कुछ लोगों को जो है पाइल्स की शिकायत रहती है तो पाइल्स का इलाज कराइए, तो अगर कोई बीमारी है उसका भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी अपनी जो है तैयारी करते रहिए ट्रेड टेस्ट की। और आप लोगों का ट्रेड टेस्ट एकदम नॉर्मल होगा, इतना हैवी नहीं होगा, और आपको तो प्रोवाइड में जानकारी करा ही दूंगा आपकी ट्रेड टेस्ट में क्या क्या कराया जाएगा। इसके बाद भी अगर किसी का कोई डाउट है तो मैं बिल्कुल बताने के लिए तैयार हूँ। जिस ट्रेड को भी कहोगे उसी ट्रेड की मैं यहाँ पर जानकारी आपको दूंगा कि इस ट्रेड में आपसे क्या क्या कराया जाएगा। अगर मैं बात करूँ वेटनरी के लिए, बच्चों के कमेंट आए थे तो मैं वेटनरी की वीडियो भी बना दिया हूँ। वेटनरी में कुत्ता और बकरी के बारे में आपसे जानकारी ली जाएगी, कुत्ता और बकरी, तो इनकी नस्लें आपको पता होनी चाहिए, बीमारी पता होना चाहिए, दवाइयों के नाम पता होने चाहिए, ठीक है। जो कुत्ता वहाँ दिखाया जाएगा उसकी नस्ल पूछी जाएगी, जो बकरी दिखाई जाएगी नस्ल पूछी जाएगी, 5-5 नस्लों के नाम, और मतलब कुत्ता और बकरी से संबंधित सारी जानकारी अपने पास में रख लो, ठीक है। बाकी आप लोग ट्रेड टेस्ट आसानी से पास हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। इसके बाद किसी का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछिएगा, ठीक है। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।